नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज से मैं बुनाई का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है, तो जिसमें मैं उन लोगों को जो बिगनर है या जिन्हें बुनाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए मैं बुनाई का बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंदा बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली है, जिसे हम कांटा भी कहते हैं। तो इस तरह से हम पहले ऊन को डबल कर लेंगे, देखिए। और डबल करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये ऊन का छोर है, तो इस तरह से पहले हम यहाँ पे एक राउंड बनाएंगे। और राउंड बनाने के बाद हम उनको इस तरह से पीछे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा एक लूप बन जाता है। जब मेरा ये लूप बन जाता है, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे कांटा में लगा के और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे, देखिए। और फिर कांटा को हम इस तरह से कर लेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से। और देखिए ये मेरा छोर यहाँ पर है और इस तरह से। और यहाँ पे सिंगल रखेंगे और इस साइड में हम डबल वाला रखेंगे। और इस तरह से हम एक अंगूठे के थंब के सहारे और एक फोर फिंगर के सहारे इस तरह से ऊन को खींचेंगे। और फिर इस तरह से देखिए, जो मेरा अंगूठा में डबल ऊन है उसको इस तरह से लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से इस पे रखेंगे और फिर धीरे से इसको इस तरह से छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ से फिर हम इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से देखिए, इस तरह से जो मेरा अंगूठा पे है डबल, जो मैंने ऊन किया था, इसको इस तरह से नीचे से कांटा को ले जाएंगे और फिर इस तरह से इसको हम यहाँ ऊपर से लाएंगे और फिर इसको इस तरह से और फिर इसको हमें धीरे से खींच देना है। फिर देखिए इस तरह से देखिए, फिर से इसको नीचे से लेके जाएंगे, फिर इसको ऊपर से लाएंगे और फिर जो डबल है इसको इस तरह से इसके ऊपर से लेकर आएंगे। एक दो बार इस तरह से करने से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप कर भी लेंगे, देखिए इस तरह से। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले फंदा बनाना ही पड़ता है और ये बुनाई का सबसे ज़रूरी बेसिक्स है जो आपको आना ही चाहिए। तो जब आपका इस तरह से फंदा बन जाए, तो हम यहाँ पर इस तरह से जो डबल है यहाँ पे और इस तरह से इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे एक नॉट बना देंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसे खींच के टाइट कर देंगे। और सिलाई में सबसे पहले एक उल्टी सिलाई होती है और एक सीधी सिलाई होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उल्टी सिलाई कैसे करते हैं और सीधी सिलाई कैसे करते हैं। ये सबसे बेसिक बुनाई है, ये आएगा तभी आप कोई आगे डिजाइन बना पाएंगे। तो जो मेरा पहला फंदा जो है यहाँ पे, हम इस तरह से अपने कांटे को इस तरह से इसके पीछे इस तरह से हम घुमाएंगे और घुमाने के बाद हम ऊन को इस तरह से इसके पीछे से लेकर आएंगे, देखिए। और इस तरह से हम ऊन को पहले वाले फंदे के बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर जो फंदा था उसको हम अपने कांटे में से सिलाई पर से इस तरह से गिरा देंगे नीचे और फिर हम दूसरे वाले में इस तरह से करेंगे और फिर इसे इस तरह से करके फिर से हम फंदा के बीच से हम अपने ऊन को निकाल लेंगे
और जो फंदा था उसको हम अपने कांटे से इस तरह से गिरा देंगे। देखिए इसी तरह से हम एक एक करते जाएंगे और ये मेरा सीधा सिलाई है। देखिए इस तरह से एक बार फिर से देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पे हम इस तरह से कांटा को इस फंदा में घुसाएंगे और फिर इस तरह से ऊन को इस तरह से लेके आएंगे और उसके बीच से हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर हम ऊन को इस तरह से इसके ऊपर से लेके आएंगे और फिर इसको इसके बीच में धीरे से इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर इस तरह से देखिए मैंने एक एक करके इस तरह से हर फंदा को बुन लिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरा सीधा फंदा था, अब उल्टा फंदा कैसे बनाना है। तो जो पहला फंदा है उसको हम लोग इस तरह से उठा लेते हैं इसको बिना बुने हुए और फिर इस तरह से दूसरे फंदे में हम अब आगे से कांटा को, पहले मैं पीछे से घुसा रही थी अब हमें यहाँ पे आगे इन कर घुसाना है। इसके बाद फंदा को लेना है उनको इसको फंदा के इस तरह से ऊपर में डालेंगे देखिए और फिर इसको फिर फंदा के बीचों बीच निकाल लेंगे। फिर इस तरह से आएंगे हम देखिए और फिर हम अपने ऊन को इसके ऊपर से रखेंगे और इस तरह से फंदा से हम निकाल लेंगे और फिर पहले जो फंदा था उसको हम इस तरह से अपने कांटा से गिरा देंगे इस तरह से और फिर और इस सिलाई को हम उल्टा सिलाई बोलते हैं। देखिए इस तरह से इसी तरह से हम एक एक करके हम बुनते जाएंगे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए इस तरह से हम फंदा के बीचों बीच घुसाएंगे आगे से और फिर हम इस तरह से ऊन को ऊपर से ले जाके इस तरह से हल्के हाथों से खींच लेंगे और फिर हम इस तरह से देखिए जब मेरा यहाँ फंदा आ जाए तो हम इस फंदे को जो पहले से फंदा था उसे इस तरह से गिरा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई भी कर ली। अब आपको फिर से मैं सीधी सिलाई बता रही हूँ कि कैसे करना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो मेरा यहाँ पे पहला वाला फंदा है हर बार हम पहले वाले फंदों को इस तरह से अपने कांटा में बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर इस तरह से देखिए जो सीधा है इसे आगे में इस तरह से करते हुए हम पहले इस तरह से हल्के हाथ से पहले खींच लेंगे और इस तरह से देखिए इस तरह से करके हम अपने फंदों के बीच से ऊन को निकालते हुए और पहले से जो फंदा उसको इस तरह से हम गिरा देंगे। फिर इस तरह से ऐसे फंदा के बीच से कांटा को निकालेंगे और फिर ऊन को इस तरह से ऊपर लाएंगे और फिर इनके बीच से निकाल के और ये जो पहले से फंदा उसको इस तरह से गिरा देंगे। देखिए इस तरह से और ये सीधी सिलाई है। किसी भी स्वेटर को डिज़ाइन बनाने के लिए हमें उल्टा फंदा चाहे उल्टी सिलाई बोलिए और इसको हम सीधी सिलाई या सीधा फंदा भी बोलते हैं इस तरह से। देखिए और ये उल्टा फंदा और सीधा फंदा आना बहुत ज़रूरी है, ये इसके बेसिक्स है। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी सीधी फंदा भी बुन लिया है और अब आपको इसी तरह से उल्टा फंदा और सीधा फंदा बुन लेना है।
देखिए मैंने ये बना लिया उल्टा फंदा और सीधा फंदा बनाते हुए। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर मेरे वीडियो के बारे में आपको कोई भी राय हो और कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें। Oh, 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 oh